अभी मैं हूँ विलेज सीर में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की गई है। मेरे साथ में है बिपिन राणा। हेलो। देखिए यहाँ पे इनकी फार्मिंग है मूली की। ये सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, पूरे तरीके से ऑर्गेनिक मूलियाँ हैं। ये देखिए, एक मूली दिखाना चाहूँगा मैं आपको इसमें से। देखिए बड़ी बड़ी मूलियाँ हैं इसमें काफ़ी, और ये पूरे तरीके से शुद्ध जो है ऑर्गेनिक है, और इसमें ऑर्गेनिक खाद यूज़ की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ऑर्गेनिक खाद। यहाँ पे देखिए, ये है ऑर्गेनिक खाद, इसका इसमें यूज़ किया गया है ऑर्गेनिक खाद का, और ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है मिट्टी के लिए। ऑर्गेनिक खाद से खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, और इससे उपज बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। विपिन से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपिन राणा है। खुलवे जी के साथ आज मौका मिला है। लगभग मैंने 3 कुंटल मूली बेच दी है। अभी लगभग 1 कुंटल मूली और है। अभी धान कटाई के बाद इसमें आलू लगाने का टाइम था, लेकिन आलू और धान के बीच में थोड़ा गैपिंग थी 2-3 महीने की। मैंने सोचा कि इसमें मूली की खेती की जाए। मूली अच्छी हुई थी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। क्या कहते हैं, इसमें हमने घरेलू जो गोबर का खाद होता है वो डाला। इसमें 3 कुंटल मूली बेच दी है। अभी 1 कुंटल और होगा इसमें मूली लगभग। और यहाँ पे इस साइड को मूली निकाल दिया है, उधर पीछे साइड को हमने प्याज लगा दिया है। और इसमें अभी मूली निकालने के बाद आलू की खेती की जाएगी, मतलब लगभग 1 महीने बाद। और क्या कहते हैं, हमारे पहाड़ों में ऑर्गेनिक सब्जियों का बहुत अभी चल रहा है। ऑर्गेनिक सब्जी, मैं भी सोचा कि अभी अपने पहाड़ में कुछ ऑर्गेनिक सब्जी या कुछ और किया जाए, जिससे कि हमारे जो प्लान हो रहा था वो रोका जा सकता है। और जो कोरोना की वजह से अभी बहुत बहुत लोगों की जॉब चली गई है, उससे मतलब लोगों को थोड़ा सा मतलब जॉब की यहाँ पे बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़ सके। धन्यवाद खुलवे जी। और मैं जानना चाहूँगा कि आपकी इससे इनकम अभी कितनी होती है शुरुआत में? लगभग मतलब अभी एक मतलब मूली की बात करूँ, जैसे मैंने 3 कुंटल मूली बेच दी है। अभी मतलब अपने पहाड़ में लगभग प्योर क्या कहते हैं ऑर्गेनिक मूली है, तो 15 रुपये किलो यहाँ पे दे रहे हैं हम। और काफ़ी सस्ती है। हाँ, काफ़ी सस्ती है, और क्या कहते हैं ऑर्गेनिक के हिसाब से। और लोग बात जो भी है डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर रहे हैं, दुकानों से नहीं ले रहे हैं। लगभग 300 कुंटल जो सॉरी 3 कुंटल जो मूली बेच दी है मैंने, सिर्फ अपने घर से बेची है। सारे जो भी लोग लेने आ रहे हैं मेरे घर पे, मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके सीधे बेच रहे हैं मूली। मुझे भी पता चला कि विपिन भाई हमारे मूली बेच रहे हैं, तो मैं भी इनके पास मूली लेने आ गया। हाँ। तो मेरी इनसे यही उम्मीद है कि ये और भी ज़्यादा इसमें सब्जियाँ उगाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें यहाँ पर, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिले, और ऑर्गेनिक खेती को ही प्रमोट कर रहे हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें। देखिए मूली, देखिए कितनी इतनी बड़ी मूलियाँ, बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी मूलियाँ हैं। देखिए आप, इन्होंने प्याज लगाया हुआ है, ये भी पूरे तरीके से ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल खाद का यूज़ नहीं किया गया है, पूरा ऑर्गेनिक खाद यूज़ की गई है इसमें। और इसके बाद मूली के बाद इसमें आलू लगाया जाएगा। अभी मूली लगभग ख़त्म होने वाली है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। मैंने करीब 7-8 किलो मूली इनसे ले ली है। अभी काफ़ी अच्छी मूलियाँ हैं इसमें, हर वैरायटी की हैं, बड़ी मूलियाँ भी हैं और छोटी भी हैं, सैलेड के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप। अगर आपको भी मूली और ऑर्गेनिक सब्जियों का अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो विपिन राणा जी से आप सीधे मूली वगैरह ले सकते हैं। मैं आपको इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, आप डायरेक्ट इनसे मूली वगैरह खरीद सकते हैं। इसके बाद ही आलू लगाएंगे, अगर आपको आलू लेने हैं तो आलू भी आप इनसे ले सकते हैं। ये पूरे तरीके से ऑर्गेनिक खेती है। विपिन राणा जी बता रहे हैं कि इनकी मूलियाँ, अभी जो रिसेंटली में शादियाँ हुई थी उत्तराखंड में, काफ़ी शादियों में इनकी खेत की मूलियाँ गई हैं। और इसके बाद जैसे मैंने बताया आपको, आलू का प्रोडक्शन होगा मूली के बाद। और ये घर के ही आलू हैं, पहाड़ी आलू हैं, इसका बीज जो है आलू का पहाड़ी आलू है और काफ़ी अच्छा है। तो आप आइए यहाँ पे विपिन जी से मिलिए,
इनकी ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी आपसे यही उम्मीद है।